हाय, मैं हूँ पिया और आज मैं मिलाने वाली हूँ तुमको एक ऐसे लड़के से जो हमेशा सुबह अपना आधा अधूरा ब्रेकफास्ट छोड़ के यहाँ पे लड़की तारने को आ जाता है। मैसेज किया मैंने आपको, आपने एक बार सीन भी नहीं किया। ऐसा कोई करता है क्या भला? हाँ, मैं छोटी यूट्यूबर हूँ इसलिए आप मेरे साथ कोलैब ही नहीं करना चाहते, है ना? मेरी बातों को कोई नहीं सुनता। मैं छोटी हूँ बोल के घर पे भी मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मुझे मीठा बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने मम्मी को कल बोला कि मम्मी सब्जी में थोड़ा सा चीनी डाल दो, तो उन्होंने मुझे चाटा मार दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, बट कोई नहीं, मैं छोटी हूँ बोल के मुझे हल्के में मत लेना। मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, देखा कैसे मैंने आपको उठवा लिया। हाँ, अभी आपको पूरा वीडियो में हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठो, हम वीडियो बना के आते हैं। चलो भैया, वीडियो बनाने चलते हैं। सालों बाद आखिर एग्जाम खत्म हो गया। अभी घर जाऊंगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, मुर्गा मार के खाऊंगा। भैया आज तो सोमवार है ना, और मम्मी ने तो बोला था सोमवार को मीट मछली का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और आप खाने की बात कर रहे हो। और भाई तू किस बात पे इतना उछल रहा है? एग्जाम में तो हमने नाम और रोल नंबर ही लिखा है। तुम दोनों को मेरी थोड़ी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। ये जो क्यूट सी लड़की है ना, जिसे मेरे भैया आंखें फार फार के देख रहे हैं, वो मेरे भैया की क्रश है। उसके औकात से तो बाहर है, लेकिन मुझे तो अपना एक अच्छा बहन होने का फर्ज तो निभाना ही होगा, है ना? तो देखो अब मैं क्या करती हूँ। दीदी दीदी, मेरे भैया के दोस्त लोग बोल रहे थे कि ना आप मेरे भैया के क्रश हो। मुझे क्रश का मतलब तो नहीं पता, लेकिन मेरे भैया हमेशा आपको स्कूल में ताड़ते रहते। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कौन है तुम्हारा भैया? वो उधर देखो, उधर उधर। कैसी बहन है यार, हमेशा जान लेने पे तुली रहती है। अभी क्रश का चप्पल गालों पे पड़ता मेरे सीधे। खैर जो भी हो, आज स्कूल पे आखिरी दिन हमारा। पूरा स्कूल लाइफ कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, बस कुछ यादें रहेंगे तो वो दोस्तों की यारी, वो क्रश के पीछे हमेशा भागना और उसका बिल्कुल हमें भाव ना देना, क्लास के आखिरी बेंच पे बैठकर पूरे क्लास को परेशान करना, फिर दोस्तों के साथ क्लास बंक मारना और स्कूल के पीछे जाके सुट्टा भूकना। अरे ब्रो, तूने प्रिंसिपल की बीबी को देखा क्या? नहीं ब्रो, मैं तो उसकी बेटी को देखता हूँ। अच्छा फिर वो भी ठीक है ब्रो, तू उसकी बेटी रोशनी को ले लेना, मैं उसकी बीबी को ले लूंगा, ठीक है ना ब्रो? हाँ ब्रो ठीक है। तुम दोनों को तो मैं इस बार स्कूल से निकाल के ही रहूंगा। क्या बोल रहा है ये ब्रो, स्कूल तो जैसे इसके बाप का है। खैर ये सब छोड़ो, आज स्कूल का आखिरी दिन हमारा, हर कोई एक दूसरे के कपड़े पे कुछ प्यारी प्यारी यादें छोड़ के जा रहा है, तो मैंने भी ना अपने दोस्तों के कपड़े पे बहुत ही प्यारी प्यारी यादें छोड़ा यार, वो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। मेरे कपड़े में ये वाइट कलर किसने लिखा? हैं, स्पेलिंग पे गलती लिखा है? ये काम तो पूरी स्कूल में बस एक ही इंसान कर सकता है। मारो साले को। नहीं, मैं तो बस दोस्ती की निशानी दे रहा था ताकि तुम लोग को मेरे बारे में जिंदगी भर याद रहे।
अब एग्जाम खत्म होने से पहले हम लोग कितना कुछ सोच के रखते कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हम लोग वेकेशन मनाएंगे, नानी के घर जाएंगे, पार्टी करेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। मम्मी मुझे मुर्गी खा जाने बचाओ। बट हमारे साथ तो कुछ और ही हो रहा होता है। अभी वेकेशन पे हमारे पास कुछ करने के लिए तो होता नहीं है, तो पूरा दिन हम बस टीवी देखते हैं और दाल चावल धूस धूस के पोपटलाल से जेठालाल बन जाते हैं। और वहाँ मेरे सारे दोस्त मस्त वेकेशन मना रहे, एक के बाद एक फोटो अपलोड करे जा रहे, मस्त माहौल बनाकर बंदियां बगा रहे। अरे यार कोई लड़की मुझे भी बगा लो प्लीज। और वहाँ देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड हवाई चप्पल के शकल का है, पता नहीं कैसे इतनी हॉट बंदी फंसा ली है, फुल लाइफ एंजॉय कर रहा है, वेकेशन मना रहा है। और यार तुम्हारा भाई सिंगल लाइफ से भरी जाने अपने। मेरे भैया को किसने परेशान किया? हाँ अभी ठीक है ना भैया? भगवान आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का गुजरे 2 साल हो गया। इतना अच्छा लड़का था, उसकी तो सेटिंग भी थी, बेचारा सिंगल ही मर गया। बहुत सटीक के जिंदा हूँ मैं अभी, जीते जी मुझे तुमने मुर्दा घोषित कर दिया। हे भगवान कभी कभी तो लगता है वो मेरे साथ ही खड़ा है और मुझसे बातें भी कर रहा है। सच में मर गया। वो हैंडसम लड़का किधर गया? अभी तो इधर ही था। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे से ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, मैं लड़की क्या फंसाऊंगी। मैं बन जाता हूँ तुम्हारा गर्ल, आई मीन बॉयफ्रेंड। हाँ हाथ छोड़ो मेरा, 7 पुश्तों से सिंगल रहने वाले तुम बनोगे मेरा बॉयफ्रेंड। तुमसे तो बॉयफ्रेंड बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं लड़की हो भी कि नहीं। हाँ तो मैं फोन के बारे में बात करने वाली थी। एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास चलाने को बस एक ही चीज रहता है और वो है फोन। इस फोन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखा है, कभी कभी तो मन करता है इस फोन को हथौड़े से मार मार के इसे जमीन पे दबा दूं। पूरा स्लिप साइकिल का माँ पहन करके रख दिया इसने मेरा। अबे तू फिर से आ गया, तुझे कितनी बार बोला है इधर कोई स्लिप साइकिल ठीक नहीं होता है, इधर स्लिप साइकिल ठीक होता है, बोले तो ओनली साइकिल। सब साइकिल सेम ही तो होता है, ठीक कर दो ना अंकल प्लीज। चाहे तो आप मेरे पापा की जमीन जायदाद की कागज ले लो, मत ठीक कर दो प्लीज। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसका स्लिप साइकिल तो ठीक करना ही पड़ेगा। क्या यार सब साइकिल तो सेम ही होते हैं ना, वो अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इतना जोर से मारा उन्होंने मुझे, हाथ भी तोड़ दिया, अब फिर इसे ठीक करवाने के लिए मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। चलो बाय गुड नाइट, अब मैं सो जाती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने पेरेंट्स को या किसी को भी कैसे कन्विंस करें कि वो हमें अलाउ करें ट्रैवलिंग करने के लिए। आखिर हम ट्रैवलर कैसे बने? हंस क्या रहे हो, ट्रैवलर बनना है मेरे को, दुनिया घूमना है, रशियन ये नहीं बोलना था, पर यार दुनिया घूमना तो दूर की बात है, मम्मी तो चंदन स्टोर से दूर ही जाने नहीं देती। भैया एक किंगडो जो ही दे दो, कितने का है? बेटा ये तेरे औकात से बाहर है। देखा तुमने, ऐसा ही हुआ था, किंगडो जो खाने का सपना सपना ही रह गया, बचपन में पैसे की वजह से नहीं खा पाया और अब मन नहीं करता यार खाने को। खैर मेरे लास्ट डे ऑफ स्कूल के बारे में क्या ही बताऊं, दोस्त ऐसे थे कि लास्ट डे तो छोड़ो, पूरी स्कूल लाइफ को याद नहीं करना चाहती मैं। बाकी वेकेशन का बात करूं तो बस इतना ही कहूंगी कि धंधा बहुत मस्त चल रहा है, अभी आरजे भैया के साथ अपने भैया को भी उठवा लिया है, अभी पापा के पास जाऊंगी और सीधा 2 करोड़ रुपया मांगूंगी, अपने नालायक बेटा को चाहिए तो सीधा 2 करोड़ रुपया दे दो। देखा मैं कितना खतरनाक हूँ, मैंने तो पहले ही बताया था। वैसे अभी मुझे अपने BMW में आरजे बुलकेट भैया को उनका घर छोड़ने जाना है, सुना है आजकल क्यूट लड़कों को कोई भी रास्ते से उठा ले जा रहे हैं।
तो हमें तो ये सब रोकना पड़ेगा ना। तो मैं जा रही हूँ अभी आरजे भैया को घर छोड़ने उनका। और अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करो, एक कमेंट करो, एक सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।